वहीं खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मदरसों पर मंत्री उषा ठाकुर का बड़ा बयान सामने है। मदरसों से मानव तस्करी की आशंका, ये उषा ठाकुर ने कहा है। अवैध मदरसों की जांच होनी चाहिए। उषा ठाकुर ने कहा कि बाल आयोग के सदस्यों ने मदरसों की जांच की और उसमें उषा ठाकुर ने कहा है कि ऐसे में कुछ और भी मदरसे हैं जिनको चिन्हित किया जाना चाहिए, जहां पर जांच होनी चाहिए। अवैध मदरसे जिनकी पूरी एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए, जहां पर बाल आयोग के सदस्यों ने मदरसों की जांच की और मदरसों पर मंत्री उषा ठाकुर का ये बड़ा बयान सामने है। तो मदरसों से मानव तस्करी की आशंका है, ये उषा ठाकुर की तरफ से कहा गया। अवैध मदरसों की जांच होनी चाहिए और अवैध मदरसों को लेकर के जानकारी इकट्ठा होनी चाहिए। बाल आयोग के सदस्यों ने दरअसल इस बारे में पहले जांच की थी और इसी को लेकर के अब यहां बड़ा बयान दिया गया है उषा ठाकुर की तरफ से। अवैध मदरसों की जांच होनी चाहिए और बाल आयोग के सदस्यों ने मदरसों की जांच की थी और मदरसों पर मंत्री उषा ठाकुर का ये बड़ा बयान अब सामने है। दरअसल मदरसों से मानव तस्करी की आशंका उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मदरसों से मानव तस्करी होना उनको आशंका है इस पर, और इसी को लेकर के जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध जो मदरसे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, वहां पर क्या काम हो रहा है इसके बारे में भी इस पर जो जांच कमेटी है वो तय करे और उस पर जांच की जानी चाहिए। तो बाल आयोग के सदस्यों ने मदरसों की जांच की थी, लेकिन एक बार फिर से जांच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है। दरअसल मंत्री उषा ठाकुर ने इस दौरान क्या बयान दिया है, जरा वो आपको सुनाते हैं। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारिणी से अनुशंसा नहीं कराई, ऐसा हर मदरसा बंद होना चाहिए, क्योंकि ये अवैध मदरसे किस प्रकार का काम करेंगे इसकी जिम्मेदारी कोई और ले नहीं सकता। हमारे बाल आयोग के कुछ लोगों ने औचक निरीक्षण किया और देखा कि छोटे छोटे अवैध मदरसों में 30-30, 40-40 छोटे छोटे बच्चे कैद हैं। वो बच्चों को रहने के लिए स्वस्थ वातावरण नहीं, खाने पीने की समुचित प्रबंध नहीं, बच्चे राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र की धरोहर होते हैं, उनकी रक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। डर लगा कि कहीं ये मानव तस्करी का मामला ना हो। तो अवैध मदरसों को लेकर के ये बड़ा बयान इस बीच मंत्री उषा ठाकुर का, और उषा ठाकुर ने दरअसल इस पर सवाल उठाए हैं। अमित ठाकुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? दरअसल अवैध संचालित हो रहे मदरसों को लेकर के मंत्री उषा ठाकुर का ये बड़ा बयान है, सवाल उठाए उन्होंने। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज मंत्री उषा ठाकुर खंडवा में है और उन्होंने मदरसों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हम बता रहे भोपाल में जो संदिग्ध निकले थे उनका बांग्लादेश कनेक्शन निकला और इसके बाद मदरसों की जांच पर फोकस किया गया, जोर दिया गया, और मंत्री ने आज खंडवा में ये कहा है कि जो मदरसे हैं उनसे मानव तस्करी की आशंका है, अवैध मदरसों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है कि बाल आयोग के सदस्यों ने जब औचक निरीक्षण किया था तो इन मदरसों में 30-40 छोटे छोटे बच्चे भी पाए गए। उन्होंने कहा है कि बच्चे जो राष्ट्रीय संपत्ति और धरोहर है उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इसी को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान आज खंडवा में दिया है। जाहिर तौर पर ये बड़ा बयान है, बहुत शुक्रिया अमित इस पर जानकारी देने के लिए। तो मदरसों से मानव तस्करी की आशंका और इसको लेकर के ये बड़ा बयान मंत्री का। और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महिला ने घर में फांसी लगाई है। पति से विवाद के बाद महिला ने फांसी लगाई और घटना के वक्त घर के बाहर 3 बच्चे खेल रहे थे और तिलक नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिला ने खुदकुशी की है। घटना के वक्त घर के बाहर 3 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं मिलती है। महिला ने घर में फांसी लगा लेती है और पति से विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला ने घर के भीतर ही फांसी लगा ली। मिथिलेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है? घर के बाहर हालांकि बच्चे खेल रहे थे, पति से विवाद और इसी वजह से फांसी लगा ली। आज सुबह ही पति पत्नी के बीच में घरेलू विवाद हुआ था और घरेलू विवाद के बाद पति कहीं बाहर चले गए थे, बच्चे घर में खेल रहे थे, तीनों बच्चों को महिला ने घर से बाहर भेजा और घर के अंदर रूम बंद करके उन्होंने फांसी लगा ली। जब पति घर पहुंचे, घर उन्होंने देखा कि रूम अंदर से बंद है, आसपास के लोगों से उन्होंने बात की और फिर जब उन्होंने ऊपर छत की एक रेलिंग था वहां देखा तो उनकी वाइफ की फांसी के बंधन झूल रही थी। पुलिस को सूचना
भी मौके पर पुलिस ने पहुंची। अब बॉडी को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वही अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। आखिर आत्महत्या की वजह सिर्फ घरेलू विवाद था या दूसरी और था। फिलहाल इस वक्त पुलिस उनके पति से पूछताछ कर रही है। बच्चों के भी बयान लिए जा रहे हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। परिवार के जो दूसरे सदस्य वो भी पहुंच चुके हैं। हालांकि पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एक घरेलू विवाद होता है, घरेलू विवाद के बाद में महिला ने आत्महत्या कर लिया है, ये पूरा मामला जो है वो तीन बच्चे घर में मौजूद थे उस वक्त ही की पूरा घटना है। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे को बाहर भेजा, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं आगरमालवा जिले के सोयत खुर्द और मूड़ी के बीच हादसा हो गया है, जहां निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। 10 और 12 यात्री इस दौरान चोटिल हुए हैं, उनको मामूली चोटें आई हैं। और बस इंदौर से कोटा की तरफ जा रही थी। मुख्य मार्ग की पुलिया टूटी होने के चलते ग्रामीण क्षेत्र से होकर के जो बड़े वाहन हैं उनको गुजरना पड़ता है।